कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये रीजनिंग का आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले आपके निर्देश क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि आपका 63वां क्वेश्चन है और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं तीसरे से चौथे या चौथे से तीसरा बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो देखिए कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान। मतलब कोशिका का जहाँ अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान। तो उसी प्रकार पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका DHLP से WSO के बनाने में लगाएंगे, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DHLP, इससे आपका क्या बन रहा है WSOK। अब देखिए D का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है W, H का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है S, L का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है O और P का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है K। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे FJNR के लिए। तो देखिए F का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, J का हो जाएगा Q, N का हो जाएगा M, R का क्या हो जाएगा I। तो UQMI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन A इज़ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ लगा हुआ है 65वें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग एक का स्क्वायर करें और एक को ही इसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, 2। अब आगे है 10 के लिए, तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और एक को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। तो देखिए एक और तीन के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो आगे भी 2 का ही डिफरेंस रहना चाहिए। अब देखिए 26 जो है वो कौन सी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 5 के, 5 का स्क्वायर किया और एक को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 26। अब 2 का अंतर हमें लाना है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे, तो 49 + 1 कितना आपका आंसर आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या अथवा अक्षर युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं जिसमें से आपके 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं समान, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 66वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला ऑप्शन है EHJ, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8 और जे का होता है 10। तो देखिए 5 से 8 आपका बना तो आपका कितना जुड़ा, 3, 8 से 10 बना कितना जुड़ा, 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं, जे का कोड होता है 10, एम का होता है 13, एल का होता है 12। 10 से आपका 13 बना, 3 जुड़ा, और 13 से 12 बना तो आपका क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, पी का कोड होता है 16, एस का होता है 19, आर का होता है 18। 16 से 19 बना आपका क्या हुआ, 3 जोड़ा, और 19 से 18 बना, 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, वी का कोड होता है 22, वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। तो 22 से 25 बना, 3 जोड़ा, और 25 से 24 बना, 1 घटा। अब देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑप्शन ए आपका लास्ट में देखिए 2 जोड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए आप 67वां क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए ऑप्शन ए बिल्ला, ऑप्शन सी है हिरनी का बच्चा, ऑप्शन डी है सावक, इन तीनों का संबंध एक ही चीज़ से, मतलब ये सभी क्या हैं, जानवर के बच्चे हैं, लेकिन शिशु जो है वो मानव का बच्चा है, इंसान का बच्चा है। ओके, शिशु जो है इंसान के बच्चे को कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। अगला देखिए 68वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, 11 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटती है और किसी संख्या से ना कटे। ऑप्शन सी 19, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या।
ऑप्शन बी 17, ये भी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन डी 21 जो ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये स्वयं के अलावा 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब गाइस निर्देश है प्रश्न संख्या 69 एवं 70 के लिए। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं टी, देखिए एस का कोड होता है 19, टी का होता है 20, कितना आपका जुड़ रहा है 19 से 20 बनने में, 1। आप टी से यू बनाते हैं, यू का कोड कितना होता है 21। अब 20 से 21 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा, पीछे सभी में 1-1 जुड़ा तो आगे भी 1 जुड़ेंगे, तो 21 में 1 जुड़ेंगे 22, 22 किसका होता है, वी का होता है। फिर अब 22 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमें 23 मिल जाता है, 23 किसका होता है, डब्लू का, मतलब कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया वी, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नहीं आ रहा पहला अल्फ़ाबेट। अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं ई, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, 3 से 5 बना आपका क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब ई से बनाते हैं जी, जी का कोड होता है 7, 5 से 7 बना कितना जुड़ा, 2, पीछे सभी में 2-2 जुड़ा है तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 किसका होता है, आई का। तो बी और आई आपके दो अल्फ़ाबेट मिल गए जो कि आपके ऑप्शन सी में आ रहे हैं, ना कि ऑप्शन वी में, 3 ऑप्शन कटे, आगे करने कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 70वां क्वेश्चन, 124, 235, 346, 457 और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 124 से 235 बनाया तो कितना जुड़ा, 111 है। 235 से 346 बनाया कितना जुड़ा, 111 है। 346 से 457 बनाया तो कितना जुड़ा गाइस, 111 जुड़ा। तो आगे भी 111 जोड़ेंगे तो 457 में 111 जोड़ देते हैं, 8, 6, 5, तो कितना आ गया आपका आंसर, 568। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी कोड भाषा में बास्केट को टी ई के ऐसे भी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पिलो को कैसे लिखा जाएगा? जो तरीका बास्केट के लिए लगेगा वही तरीका पिलो के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले बास्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, वी ए एस के ई टी, इससे आपका क्या बनना है, टी ई के एस ए बी। तो देखिए बास्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से चेंज हो गए, पलट गए, पीछे से देखिए पीछे वाला आगे आगे सारे, देखिए ई देखिए आगे आ गया, के भी आ गया, उसके बाद एस भी आ गया, फिर ए देखिए और बी देखिए पीछे चला गया। यही तरीका हम लोग पिलो के अल्फ़ाबेट कोड के लिए लगाएंगे, तो पिलो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, पी आई डबल एल ओ डब्लू, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, तो डब्लू आगे आया, ओ भी देखिए, फिर एल, फिर एल, फिर आई, उसके बाद पी। तो ये आपका आपका आंसर हो जाएगा, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन वी, ऑप्शन बी में ये आ रहा है अल्फ़ाबेट, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, तो लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस। तो एक क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2 / 6 × 6 / 2। अब चिन्हों के अप्लाई कर देते हैं, टू भाग, टू डिवाइड मतलब भाग, भाग का मतलब नीचे क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया, फिर 6 × 6, गुणा का मतलब देखिए क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया 6, फिर भाग है, भाग का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 2 + 6/6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2, तो देखिए 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन क्या है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओ ये है, दक्षिण दिशा आपकी नीचे होती है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ से आपका पश्चिम क्या हो जाएगा, इधर, कितना चलता है, 3 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखिए
उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, कितना चलता है 5 किलोमीटर। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो पूरब दिशा आप देखिए, लास्ट पॉइंट आपका इधर आ गया, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लास्ट पॉइंट आपका इधर आ गया। अब 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला तो पूरब की ओर चल के यहाँ पर आ जाएगा लास्ट पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं। ओके, तो देखिए नीचे 3 है तो ये भी आपकी 3 ही दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये दूरी ऊपर नीचे की दूरियाँ जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ओ और लास्ट पॉइंट ए पे आ गया, तो नीचे जा रहा है दिशा। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये निर्देश है प्रश्न संख्या 74 एवं 75 के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षरों संख्या को चुनना है। जैसे कि 74वां क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए गाइस, पृष्ठ से मिलकर क्या बनती है, पुस्तक। उसी प्रकार दीवार जो है वो किससे मिलकर बनती है, तो दीवार जो है वो मिलकर बनती है ऑप्शन सी, ईंट से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह ईंट आ जाएगा। अगला है LNPQ का संबंध है ACEF से, तो TUXY का संबंध बताना है। तो अल्फाबेट लिख लेते हैं TLNPQ। L का कोड कितना होता है 12, N का कोड कितना होता है 14, P का होता है 16 और Q का होता है 17। इससे आपका क्या बन रहा है ACEF। अब देखिए A का कोड होता है 1, C का होता है 3, E का होता है 5, F का होता है 6। तो देखिए 12 से 1 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है 11 घट रहा है, 14 से 3 बन रहा है 11 घट रहा है, 16 से 5 बन रहा है 11 घट रहा है और 17 से 6 बन रहा है तो 11 घट रहा है। यही तरीका TUXY के लिए लगाएंगे। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का कोड होता है 20, U का कितना होता है 21, X का होता है 24 और Y का होता है 25। सभी में 11 11 घटाते हैं तो 20 में 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। अब 21 में 11 घटाएंगे, 21 में 11 घटाया तो हमें मिल गया 10। अब फिर आपका X है, X का कोड होता है 24, 24 में 11 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13। अब वो 25 है, Y का 25 होता है, 25 में 11 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 14 मिलेगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, 9 किसका होता है I का, 10 किसका होता है J का और 13 होता है M का और 14 होता है N का। IJMN आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 76 एवं 77 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अथवा अक्षर को चुनना है। विषम मैंने आपको बताया था कि 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं जिसमें से 3 जो हैं वो आपके समान हो जाते हैं, एक समान, और जो एक बसता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 76 में आपका विषम कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन है कली, फिर है शाखा, फिर है पत्ती, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पौधे के एक भाग होते हैं तीनों। लेकिन ऑप्शन डी में आपका पूरा का पूरा पौधा ही दे दिया गया जो कि पौधों में सम्मिलित होता है, कली, पत्ती और शाखा। तो इन चारों में विषम कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग कौन सा है, पौधा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब 77वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ABD, ए का कोड होता है 1, वी का होता है 2, डी का कोड होता है 4। 1 से 2 बना आपका 1 जोड़ा, 2 से 4 बना 2 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एफ का कोड होता है 6, जी का होता है 7, आई का होता है 9। 6 से 7 बना आपका 1 जोड़ा और 7 से 9 बना 2 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एल का कोड होता है 12, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। 12 से 13 बना 1 जोड़ा, 13 से 15 बना 2 जोड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, एस का कोड कितना होता है 19, टी का होता है 20, यू का होता है 21। 19 से 20 बना आपका क्या हुआ 1 जोड़ा, 20 से 21 बना 1 जोड़ा। देखिए गाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तीनों आपके सेम है क्योंकि लास्ट में आपका देखिए 2-2 जुड़ रहा है,
लेकिन ऑप्शन डी में देखिए लास्ट में एक जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर जिस स्थान पर आता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो पहला आएगा सबसे पहले पे मैनिफेस्ट पहले नंबर पर आएगा, फिर चौथा वाला आएगा दूसरे नंबर पर मर्चेंट, फिर तीसरा वाला आएगा तीसरे नंबर पर मेरिडियन, फिर दूसरा वाला आएगा चौथे नंबर पर मेटिकुलस। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से श्रेणी को कौन सा अंक पूर्ण करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए 14 से 27 बनाते हैं, तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 और 27 बनाना, तो 1 को घटा देंगे इसमें। अब 27 से 52 बनाना है, तो 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो आपका कॉमन है, सभी में होगा, लेकिन जो घटेगा वो एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। पहले 1 घटा, अब देखिए 27 दूनी 54, 54 से 52 बनाना है, तो कितना घटेगा इसमें? 2 घटेगा। अब देखिए 52 से 101 बनाना है, तो 52 में 2 का मल्टीप्लाई सेम है सभी में, तो 52 दूनी 104 और 101 बनाना है, तो 3 को घटा देंगे। 101 से 198 बनाना है, तो 101 में 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 103। अब घटाएंगे कितना? सॉरी 101 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 मिल जाएगा आपको। पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, आप कितना घटेगा? 4। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 198 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिलता है? 2 8 16 की 6 हाथ से लगाए, 1 2 18 1 19 की 9 हाथ से लगाए, 2 1 2 1 3 396 मिल रहा है। पहले देखिए लास्ट में आपका 4 घट रहा है, आप इसमें कितना घटेगा? 5, तो आपका कितना आ जाएगा? 391। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में HUMJT के लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRIENDT। तो अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, R का होता है 18, I का होता है 9, E का होता है 5, N का होता है 14 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? HUMJTK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड अब लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, U का कितना होता है? 21, M का होता है 13, J का होता है 10, T का होता है 20 और K का होता है 11। देखिए गाइस, 6 से 8 बना तो आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। 18 से 21 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। 9 से 13 बन रहा है, 4 जुड़ रहा है। 5 से 10 बन रहा है, 5 जुड़ रहा है। और 14 से 20 बन रहा है, 6 जुड़ रहा है। और 4 से 11 बन रहा है, 7 जुड़ रहा है। मतलब संख्या की वृद्धि होती जा रही, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा और फिर 6 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा। एक एक की वृद्धि हो रही है, लेकिन जुड़ रहा है स्टार्टिंग में 2 से, फिर 2 के बाद 3। यही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे कैंडल के अल्फ़ाबेट कोड में। तो लिख लेते हैं सबसे पहले कैंडल के सारे अल्फ़ाबेट। तो कैंडल के कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? CANDLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, एन का कोड होता है 14, डी का कोड होता है 4, एल का होता है 12, ई का होता है 5। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 जोड़ते हैं, 3 में 2 जोड़ा, 5 आया। अब एक एक की वृद्धि होगी 2 से। अब 2 में, अब 2 के बाद अब कितना जोड़ेंगे? 1 में 3, तो 1 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 4। अब कितना जोड़ेंगे आगे? 4। 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18। अब कितना जोड़ेंगे? 5। 4 में 5 जोड़ा तो 9 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? 6, तो 12 में 6 जोड़ा, 18 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? 7, 5 में 7 जोड़ा तो आपका 12 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 4 किसका होता है? डी का। 18 होता है आर का। 9 होता है आई का। 18 फिर आर का और
12 होता है एल का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर है। ओके, मान लेते हैं श्याम का घर है आपका ये ए पर है, यह हो जाएगा श्याम का घर ए पर है और वो अपने मित्र के घर जाता है जो कि वहाँ से कितना है 10 किलोमीटर। तो वी मान लेते हैं मित्र का घर हो जाएगा, मित्र का घर। अब आगे कहता है वो जाता है 10 किलोमीटर, तो ये दूरी आपके कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। आगे कहता है वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बी पर आपका लास्ट पॉइंट आ गया, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। बी पर आपका लास्ट पॉइंट आ गया, 2 किलोमीटर जब चलेगा तो वो कहाँ पर मुड़ जाएगा? नीचे की तरफ दाएं मुड़ेगा, दाएं आपका कहाँ पड़ेगा? नीचे की तरफ। कितना जाता है? 2 किलोमीटर। और फिर वह दाएं मुड़ जाता है फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर तो जा रहा है, फिर से दाएं मुड़ने से पहले मतलब ऊपर जाने से पहले वह 10 किलोमीटर ये चल चुका है। श्याम अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो ए से यहाँ जेड की दूरी मान लीजिए, जेड मान लेते हैं लास्ट पॉइंट, ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए इधर तरफ देखिए 2 है तो ये भी आपकी 2 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी ये दूरी ए से जेड तक की? 2 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है? सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा सर्कल बनेगा पुरस्कार का, और पुरस्कार में ही पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार आ जाएंगे 2 सर्कल, और दोनों सर्कल अलग अलग होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं, तो भविष्य का हम लोग क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगाते हैं। खेद कब व्यक्त करते हैं? विगत। तो आपका क्या हो जाएगा? विगत का हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 206, 309, 412 आगे क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगेगा कैसे करेंगे? देखिए 206 से 309 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है? 103। 309 से 412 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 103। पीछे सभी में 103 जुड़ा तो आगे भी जुड़ेगा, तो 412 में 103 जोड़ देते हैं, 515 आपका यहाँ पर मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, वह आकृति बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सही संबंध को दर्शाती है, डॉक्टरों, वकीलों और व्यवसायिकों। सबसे बड़ा सर्किल होगा व्यवसायिक, और व्यवसायिक में डॉक्टर और वकील आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का व्यवसाय ही होता है डॉक्टरी करना और वकालत करना, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो दोनों समाहित हो जाएंगे व्यवसायिकों में। तो आपका आंसर कैसा फिगर बना? ऑप्शन सी जैसा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, किसी कोड भाषा में 34-56 को रोप लिखा जाता है। तो 34-56 को क्या लिख रहे हैं? रोप, ROPE। तो R का कोड इसमें हो गया 3, 4 किसका हो गया? O का, 5 किसका हो गया? P का, और 6 हो गया E का। इसी प्रकार 15-526, ये किसके अल्फ़ाबेट हैं? APPLE, एप्पल के। ए का देखिए 1 है, पी का है 5, पी का है फिर 5, और 2 है एल का, 6 है ई का। तो हमें 54613 का बताना है, लिख लेते हैं 54613। अब देखिए सबसे पहले 5 के लिए देखते हैं, 5 देखिए रोप में पी का है और एप्पल में भी पी का है तो पी लिख दिया। अब है 4 की बारी, 4 देखिए रोप में आ रहा है, ओ का आ रहा है तो 4 का हो जाएगा ओ। अब है 6 की बारी, 6 देखिए रोप में ई का है और एप्पल में भी ई का है तो 6 के नीचे ई लिख दिया। अब है 1 की बारी, 1 किसका है? ए का, तो 1 लिख दिया, ए लिख दिया। अब है 3 की बारी, 3 देखिए आगे आ रहा है रोप में आर, तो आर लिख दिया। तो आपका क्या हो जाएगा? POEAR। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए,
दीपू ने अपनी यात्रा ए से आरंभ की। मान लेते हैं ए आपका पॉइंट ये है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा जो होती है वो नीचे की ओर होती है। कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 0.5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा? इधर तरफ। कितना चला? 1/2 किलोमीटर। तत्पश्चात वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से आपका दाहिना क्या होगा? ऊपर की तरफ। ए के बराबर दूरी हो जाएगी, ए के सेंटर के सामने। तो ये भी आपका यहाँ पर 2 चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट आपका इधर आ गया। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हरे जहाँ पर ग्रीन कलर है यहाँ पर लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से भाई बाएं मुड़ रहा है। तो कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चला देते हैं जहाँ जहाँ रेड पॉइंट है। 3 किलोमीटर चल गया। उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी? बहुत ही सिंपल सा है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये नीचे देखिए 0.5 किलोमीटर है, तो ये भी 0.5 हो जाएगी। तो 3 + 0.5 दूरी और जोड़ देंगे तो आपकी ए तक की आ जाएगी दूरी। यही आपसे पूछा जा रहा है जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। 3 में 0.5 दूरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। तो पहला कथन है सभी तोते चूजे हैं। तो सारे तोते जो हैं वो क्या हो जाएंगे? चूजे हो जाएंगे, चूजे। और सभी पक्षी चूजे हैं तो सारे के सारे पक्षी जो हैं वो समाहित हो जाएंगे चूजे के अंदर। ओके, अब देखिए निष्कर्ष क्या है। कुछ पक्षी तोते हैं तो पक्षी और तोते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कहता है कुछ चूजे तोते हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि चूजे का कुछ हिस्सा तोते में जा रहा है। तो दूसरा सही हो जाएगा। तो आपके लिए क्या होगा? ऑप्शन डी निष्कर्ष 2 सही आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि मोमेंटम को किसी कोड भाषा में इससे लिखा जाता है तो बताइए मैग्नेटिक को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो जो तरीका मोमेंटम में लगाएंगे वही तरीका मैग्नेटिक में लगाएंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम में हम लोग अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल अल्फ़ाबेट 8 हैं। और मैग्नेटिक में देखते हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैग्नेटिक में भी आपके 8 अल्फ़ाबेट हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MOMENTUM मोमेंटम। इसको क्या लिखा जा रहा है? EMO, फिर MNTUM। अब देखिए मोमेंटम के लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट देखिए सेम टू सेम वही हैं। इनका स्थान, इनकी पोजीशन आपकी चेंज नहीं हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, मैग्नेटिक की भी सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। यही तरीका लगाते चलते हैं। MAGNETIC। तो मैग्नेटिक के भी 4 अल्फ़ाबेट जो लास्ट के हैं वो सेम रहेंगे आपके, जो आप क्योंकि मोमेंटम में भी सेम रहे आपके। टी भी वही रहेगा, आई भी वही रहेगा और सी भी आपका वही रहेगा। अब देखिए गाइस मोमेंटम के स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो देखिए पीछे वाला आगे आ गया, मतलब पीछे से सारे पलट गए। एम देखिए, ओ देखिए और फिर एम देखिए। यही तरीका इसमें लगाएंगे। एन आपका आगे आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, फिर ए की बारी है और फिर एम की बारी है। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। क्यू का होता है 17, एन का होता है 14, के का होता है 11, एच का होता है 8, ई का होता है 5, बी का होता है 2, वाई का होता है 25 और वी का होता है 22, एस का होता है 19, पी का होता है 16। अब देखिए 20 से 17 बना आपका 3 घटा, 17 से 14 बना 3 घटा,
14 से 11 बना, 3 घटा, और 11 से 8 बन रहा है, 3 घट रहा है, 8 से 5 बन रहा है, 3 घटा, 5 से 2 बना, 3 घटा, और 2 से 25 बन रहा है, 3 घट रहा है। ओके, बैकवर्ड चले गए ना 3 घटा के, 25 से 22 बनाया, 3 घटा, 22 से 19 बनाया, 3 घटा, 19 से 16 बनाया, 3 घटा। तो आगे भी यही प्रोसेस होगा, 16 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। एक तो ये मिल गई आपकी, फिर 13 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 10 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ओके, एक तो 13 हो गया, एक तो 10 हो गया, एक तो 7 हो गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 13 होता है M का, 10 होता है J का, और 7 होता है G का। MJG आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए शब्दों तथा आकृतियों की दर्पण आकृति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है, और दर्पण आपका MN यहाँ नीचे रखा है, तो यहाँ पर जो आकृति चेंज होगी वो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, और बीच में देखिए ये चिन्ह है जो प्लस का, इसको बना लेते हैं सबसे पहले तो। और ये जो कोने हैं बीच में प्लस के, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपकी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब देखिए ऊपर ये प्रश्नाकृति में ये गोला गोला है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा ऐसे। अब देखिए नीचे वाला ये ऐसा चिन्ह है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर से हो जाएगा। तो ये फिगर बन गया, और ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5000 लोगों द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार ए कामा वी कामा सी वर्ग में ऐसे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, उनका प्रतिशत क्रमशः वर्ग, व्रत और त्रिभुज में दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दिया। आगे कहता है कितने लोग जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, ए बी से अथवा सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।